नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज मैं नाइटी का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। नाइटी बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसके योक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ये 10 इंच रखी है और चौड़ाई जो है वो 18 इंच पे कटिंग कर रही हूँ। और ये साइज़ जो है वो 36 से लेकर 40 साइज़ तक के लोगों को आराम से हो जाएगी ये नाइटी। तो इस तरह से योक पार्ट की इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपकी साइज़ कम है तो इससे जो 18 इंच रखा है उससे कम आप रखें। तो ये 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया है और इधर से 9 आया है और इधर से 10 इंच है। अब जिधर से 9 इंच है उधर से ये नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर का हाफ़ रखा है मैंने 7 इंच। और फिर उससे डाउन में 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे जैसे आर्म होल का शेप देते हैं वैसे ही शेप दे देंगे। तो ये जो लेग शेपर है उससे मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ पर 6 इंच पे फिर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और अब इस 6 इंच से डाउन जो है 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ये इस तरह से शेप लगा देंगे इसका। ये इसका योक पार्ट जो है कट कर लेते हैं। तो ये 36 से 40 साइज़ तक आराम से हो जाएगा लोगों को। तो यहाँ पर इसका योक पार्ट जो है इसका कट हो गया है और नेक की कटिंग जो है यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस 3 लिया है और लेंथ जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 5 इंच रखा है। फ्रंट और बैक दोनों जो है वो सेम ही है, 5-5 इंच ही है और राउंड शेप लगा दिया। और इसकी अब कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। और आर्म होल का शेप मैंने गहराई वाला शेप जो है इसमें नहीं लगाया है क्योंकि नाइटी जो है ढीली ढाली होती है तो उसमें शेप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रंट ये ऊपर का पार्ट जो है कट गया है। अब इसमें से स्लीव निकाल लेते हैं। तो इसे 4 फोल्ड में कर लिया और ये मापने पर 10.5 इंच के करीब आ रहा है और स्लीव की लेंथ 6 इंच रखी है मार्जिन के साथ और 10.5 रखा है। इधर से डाउन 2.5 इंच पर रखा है और इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं तो थोड़ा सा अधिक रखा है कपड़े को। तो इसकी भी अब कटिंग कर लेते हैं। स्लिप भी कट हो गया और अब बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है तो नाइटी की लेंथ मैंने 52 इंच रखी है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ जो है रख सकते हैं। तो ये 45 इंच पर निशान लगा है मार्जिन के साथ और ये 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया है। और इधर इस कॉर्नर से जहाँ से ये खुला हुआ भाग है वहाँ से 2-2 इंच पर इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और फिर ये शेप दे देंगे। ये आर्म होल का शेप है। अब यहाँ से डाउन 4 इंच जाएंगे और फिर इस वाले निशान से आर्म होल वाले निशान से इसे इस तरह से कर्व में करके मिला देंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से मिला दिया और अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है इसकी फाइनल हो गई है और अब मशीन पर चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले इसका नेक बना लेते हैं, नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए उरेप पट्टी कट कर ली है मैंने ये और एक दूसरे ये जोड़ भी दिया है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इससे नेक की फिनिशिंग कर देंगे। तो और इसे पलट के आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और आयन करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोनों नेक जो है तैयार कर लिया है। अब इसका ये जो शेप लगाया था इसे माप लेते हैं ये कितना इंच है। तो ये लगभग 20 से 21 इंच के करीब है। और अब ये नीचे का जो भाग है इसका इसे ये दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया फ्रंट और बैक को और ये इसमें इतना कपड़ा है। तो इसे इस तरह से एक फ्रिल जैसा प्लीट्स इसमें बना लेंगे। तो आप चाहें तो इसे आप चौड़ा भी बना सकते हैं या एकदम महीन महीन प्लेट भी बना सकते हैं, आपके अनुसार है। तो मैंने इस तरह से 1-1 इंच की प्लेट इसमें बनाई है। फिर चेक कर लेंगे कि ये 21 इंच आ रहा है या नहीं। तो इसी तरह से सारे प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो इसे माप लेते हैं कि ये कितना इंच हुआ। तो ये 17 इंच के करीब है। तो इस
इसके दोनों साइड की प्लीट जो है एक एक प्लीट को खोल देंगे तो ये 21 इंच तैयार आ जाएगा। तो अब ये देखिए 21 इंच पूरा तैयार है। तो फ्रंट और बैक में दोनों में सेम ऐसे ही कर लेना है। और यहाँ पर ये फ्रंट वाले पार्ट में ये लेस लगानी है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लेस लगाई है। तो लेस को भी इसी तरह से ऊपर से ऐसे सिल लेंगे। और इसका ये जो योक पार्ट है इसका सेंटर बनाते हुए और यहाँ सेंटर से और फिर दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसकी सिलाई हो गई है और अब इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये तैयार हो गया है और ऐसे ही बैक को भी तैयार कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अब इसका शोल्डर सिलते हैं और शोल्डर सिलने के बाद बाजू लगानी है। तो शोल्डर जो है सिल गया है और अब इसकी बाजू सिलते हैं। तो बीच में यहाँ पे कट लगाया और कट लगाने के बाद जो है इसमें 2 से 4 जो है प्लीट पड़ेंगे छोटे छोटे, तो उसे सिल लेंगे और स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लिप की भी सिलाई लगा ली है और अब इसकी किनारे की सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पर नाइटी में साइड पे में सिलाई लगा देंगे और फिर नीचे में भी इसे सिल लेंगे इस तरह से। और नाइटी जो है बनकर तैयार है। तो ये देखिए नाइटी का ये फाइनल लुक है और ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो वीडियो अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। नाइटी की मैंने और भी कई सारी वीडियो शेयर की है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के नाइटी की वीडियो मैंने शेयर की है तो उसे भी ज़रूर वॉच करिएगा।